नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 1 फरवरी। 1 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। इन्होंने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। तो मेरा मानना यह है कि सबको इंस्टॉल करके कम से कम बजट में ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या है, है ना। तो बजट ये एक अच्छी शुरुआत है कि इस ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर बजट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट, भारत के आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज। आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार जिस रूप में पेश किया गया है, तो बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में ये पहली बार है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बजट जो कि आम बजट 2021-22 है, पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से इन लोगों को छूट दी जा रही है, तो वो हैं अप्रवासी भारतीय, यानी कि NRI, जो NRI होते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय नागरिक हैं, ऐसे नागरिक जो विदेशों में रहते हैं लेकिन हैं भारतीय नागरिक, तो उनके लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में जितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा, तो वो है 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, तो वो है लेह लद्दाख, जो कि अपना यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है केंद्रीय बजट 2021-22 में। किसने? तो वित्त मंत्री, और कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि COVID-19 संकट ने जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, तो वो है 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां 100 से 120 मिलियन पर प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। ये रिपोर्ट किसने पेश की है? तो वो की है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड, ये पर्यटन वाला है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो COVID-19 संकट ने जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया, वो है 100 से 120 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवोवैक्स के अनुसार कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपने चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में जितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है, तो 89.3%। ठीक है, तो नोवोवैक्स के अनुसार कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में अपने तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण में 89.3% प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, जिसे कहते हैं, को कितने मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है, तो यह 679 मेगावाट। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट
कि लोअर, इसका नाम याद रखिए, लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है किसने, नेपाल सरकार ने, किसको दिया है तो सतलुज जल विद्युत निगम को, और इस परियोजना का क्या नाम है तो लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना नाम है, ये भी याद रखिएगा, 689 मेगावाट, ठीक है, किसने, नेपाल ने। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में जितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है तो यह है 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यही है, UNWTO जो था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यही है UNWTO की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में जितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है तो वो हुआ है 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और वो क्वेश्चन क्या था कि UNWTO के अनुसार 100 से 120 मिलियन लोगों की प्रत्यक्ष नौकरी, यानी कि जो नौकरी थी वो खतरे में आ गई है। बस इतना ही, और मेरा मानना यह है कि जो बजट आया हुआ है, बजट के लिए वो ऐप जरूर इंस्टॉल करके एक बार बजट को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।